नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों अभी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आई है, कुछ रिक्वायरमेंट सऊदी के लिए, दमाम के लिए, वो रिक्वायरमेंट मैं आपको शेयर करता हूँ। दो रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट है इमरजेंसी रिस्पॉन्स स्पेशलिस्ट। इमरजेंसी रिस्पॉन्स स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है। इसमें 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेटिंग का, सेलिंग का, और 5 साल का एक्सपीरियंस हमको पेट्रोकेमिकल का होना चाहिए, ऑयल एंड गैस में मैनेजिंग इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम का। सो दोस्तों कैंडिडेट को एक्सपीरियंस होना कंपल्सरी, 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्रियल, उनको जो टेक्निकल नॉलेज है उनके फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, और कम से कम 5 साल का पेट्रोकेमिकल या ऑयल एंड गैस में होना चाहिए। एजुकेशन डिग्री होना चाहिए, सेफ्टी और इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैनेजमेंट इसमें होना चाहिए, राइट। डिग्री होना चाहिए, सेफ्टी में होना चाहिए या इमरजेंसी रिस्पॉन्स में होना चाहिए, राइट। सो दोस्तों ये जो प्रोफाइल है काफ़ी अट्रैक्टिव प्रोफाइल है, और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी काफ़ी टफ है। सो जो लोग भी इसमें मैच होते हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन होगी इसमें दमाम के अंदर, जॉब लोकेशन रहेगी, और कैंडिडेट को जो सैलरी ऑफर होगी उनके एक्सपीरियंस के ऊपर होगी। इसमें इंटरव्यू होगा, स्काइप इंटरव्यू, स्काइप इंटरव्यू के बाद उनको जो सैलरी फिक्स होगी वो सैलरी उनकी हो जाएगी, और सैलरी मीन्स अभी डिसाइड नहीं की गई है, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर जो मार्केट स्टैंडर्ड में जो सैलरी चल रही होगी उनकी करंट सैलरी जो होगी और उनकी प्रोफाइल में जो वेटेज रहेगा उसके हिसाब से उनको सैलरी ऑफर होगी। दोस्तों दूसरी रिक्वायरमेंट रहेगी इंटरनल कंट्रोल मैनेजर। इंटरनल कंट्रोल मैनेजर जिसमें उनको जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 10 साल का होना चाहिए कम से कम, और उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उनको अकाउंटिंग का नॉलेज पूरा होना चाहिए, और ग्रेजुएशन कंपलसरी है फाइनेंस में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको डिग्री होना कंपलसरी है। और कैंडिडेट की सैलरी होगी, सैलरी मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से होगी, जो सैलरी उनके डॉक्यूमेंट के ऊपर, करंट सैलरी के ऊपर, और उनकी पोटेंशियल क्या है, उनका वेटेज क्या है, उसके हिसाब से उनको सैलरी ऑफर की जाएगी। सैलरी मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से, इसलिए सैलरी अभी फिक्स नहीं बोल सकते हैं, बट इंटरव्यू के दौरान उनको जो सैलरी है वो डिस्कस की जाएगी, और जो उनकी करंट सैलरी होगी डेफिनेटली उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, जो मार्केट का स्टैंडर्ड होगा उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, और उनकी प्रोफाइल में कितना वेटेज है, कितना पोटेंशियल है, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। दोस्तों दोनों वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, लेकिन क्राइटेरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी इन क्राइटेरिया में आते हैं वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, और उसके बाद में हम एक बार चेक करके देखेंगे, अगर मैचिंग होगा तो फिर आपको ऑफिस आना होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और वीडियो में प्रोसेस करने के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप जो नंबर्स दिए जाएंगे उन नंबर्स पर कॉल करके पता कर सकते हैं, और इसमें सर्विस चार्ज रहेगा, आफ्टर वीज़ा रहेगा, वीज़ा के पहले पेमेंट नहीं करना होगा, आफ्टर वीज़ा होगा, एग्रीमेंट वगैरह होगा, लेकिन पेमेंट आफ्टर वीज़ा होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएँ, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।